हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12 महीने से 24 महीने के बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में और क्या एक्टिविटी हम उन्हें करवा सकते हैं जिससे उनका मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास बहुत ही अच्छा हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि जो भी पेरेंट्स हैं इस तरह की वीडियो ढूंढ रहे हैं उन्हें मिल जाए। अगर मेरा चैनल आप पहली बार देख रही हैं कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ एक लाल रंग का बटन है उसे जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी अपडेट मिस नहीं हो आपको पता चलते रहे कब कौन सा वीडियो आया है। इसके लिए आप बेल बटन को हिट करें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि 1 साल से 2 साल के बच्चों का क्या क्या डेवलपमेंट होता है, क्या क्या एक्टिविटी वो खुद से कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी क्या क्या एक्टिविटी आपको करवानी है। सबसे पहले चीज़, 1 साल होते होते बहुत सारे बच्चे चलने लगते हैं, कुछ बच्चे चीज़ों को पकड़ के खड़े होते रहते हैं, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपका बच्चा साल भर में नहीं चलता है, 15 महीना, 16 महीना, 18 महीना, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग होता है। दूसरी चीज़, अब क्या है, बच्चे अपने नेम को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। अगर आप उनके नाम से बुलाते हैं तो आप देखेंगे वो अटेंशन देते हैं। तीसरी चीज़, वो आपको पहचानने लगते हैं। अगर आप उनको थोड़ी देर भी छोड़ के जाते हैं तो वो रोने लगते हैं, आपको ढूंढने लगते हैं। तो ये सारा डेवलपमेंट होता है 1 साल से 2 साल के बच्चों के बीच में। नाउ यू कैन रिकॉग्नाइज, अपने लोगों को पहचान सकते हैं, अपने दादा दादी को, पेरेंट्स को, नाना नानी को, इन लोगों को पहचानते हैं और उनके पास सेफ फील करते हैं। अब पांचवी चीज़, उन्हें अब काफ़ी कुछ याद रहने लगता है, उन्हें नंबर्स, लेटर्स, अगर आप कुछ भी उन्हें सिखाते हो तो काफ़ी जल्दी वो कैच करते हैं, बिकॉज अभी क्या है, ब्रेन काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है। तो ये सारी जो एक्टिविटी है, खाने की इच्छा होना, स्पून से लेके खाना, ये सब कुछ 1 से 2 साल के बीच के बच्चों में होता है। तो अब हम बात करते हैं हम क्या एक्टिविटी उन्हें करा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, बच्चे क्या है, आप बैलेंसिंग सीखने लगते हैं। जी हाँ, जैसे आप देखेंगे बच्चे अगर आपके खुद से चल रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं चल रहे तो वो सीख रहे हैं। कुछ बच्चों को आप देखेंगे छोटी अगर कोई चेयर है उनकी तो उस पर वो खड़ा होना चाहते हैं, खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को वो बैलेंस करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। बच्चों को आप इन सब चीज़ों पर अगर वो चढ़ते हैं तो आप उनको देखते रहो, ध्यान दो और उनको आप बैलेंसिंग सिखाओ ताकि वो रफ सरफेस पे भी अच्छे से अपने आप को खड़ा कर सके। दूसरी एक्टिविटी, आप उनको जंप करना सिखाइए। जैसे बहुत सारे पोएम्स दिए हैं, 5 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन द बेड, तो जंपिंग इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टिविटी, यू कैन जंप, आप जंप कर सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं कैसे जंप किया जाता है। तो इससे क्या होगा, उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा। तीसरी चीज़, अभी क्या है, बच्चे ने बैलेंसिंग सीख ली है, नाउ ही कैन जंप, तो अभी आप उनको स्टेयर्स पे उंगली के सहारे चलना सिखाइए, बच्चों को चलना सिखाइए, उतरना सिखाइए। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज स्टेयर्स पे चलने से क्या होता है, मांसपेशियों का अच्छा एक्सरसाइज भी होता है। तो आप एक दिन में 2 स्टेप 4 स्टेप ऐसे करके बच्चों को स्टेयर्स पे आप चलना सिखा सकती हैं। चौथी एक्टिविटी, अभी क्या है, बच्चे हर चीज़ का नाम खुद से बोलते हैं। जैसे उन्हें अगर भूख लगेगी तो वो आपसे बोलेंगे, फूड की डिमांड करेंगे, आपसे वो दूध मांग सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, क्योंकि बच्चे सॉलिड खाने में थोड़ा नखरा करते हैं, तो जब भी आप उनको सॉलिड फूड खिलाओ उससे पहले आप उनको थोड़ा सा फूड दे दो, स्पून दे दो और देखो वो खुद से कैसे फील करते हैं। तो ये जो सीखने की इच्छा होती है बच्चों की अभी बहुत तेज़ होती है, तो बहुत अच्छी बात होती है कि बच्चे जल्दी सीखते भी हैं। तो आप उनको खुद से स्पून से खाना सिखला सकते हो, हाथ से खाना कैसे खाना है वो सिखला सकते हो, आप खुद से करके दिखाओ, फिर बच्चे देखेंगे कितना जल्दी कॉपी करते हैं। तो ये खुद से खाने की जो प्रोसेस होती है वो हम बच्चों को इस एज में सिखा सकते हैं। पांचवी चीज़, अभी क्या है, बच्चे कुछ कुछ वर्ड्स बोलने लगते हैं, कुछ बच्चे 2 वर्ड के सेंटेंसेस बोलने लगते हैं। तो अभी बहुत ज़रूरी है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो, इसके लिए आप उनसे खूब सारी बातें करो, आप उनको पुश करो। जैसे मान लीजिए आपने उनसे कुछ पूछा तो आप देख रहे हैं कोई 1 वर्ड वो बोल रहे हैं, तो आप फिर सेंटेंस के गैप को पूरा करो, बच्चे को हेल्प करो कंप्लीट करने में। इसके साथ ही आप बच्चों के साथ राइम्स गाइए, सिंग कीजिए, डांस कीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे नए नए शब्द सुनेंगे, उनका इस्तेमाल करना सीखेंगे और वो बोलना सीखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे 2 साल के होते होते कम से कम 3 से 4 शब्द के वाक्य बोल सकें। छठी एक्टिविटी, अभी क्या है, बच्चे दौड़ने भागने लगे हैं, वो आपके साथ अच्छा महसूस करते हैं जब खेलते हैं। तो अभी उनके साथ आप कुछ फिजिकल गेम खेल सकते हो, जैसे बच्चों के साथ आप ग्राउंड में भी जाके उनके साथ फुटबॉल खेल सकते हो, बॉल खेल सकते हो। इसके अलावा घर में भी आप बच्चों के साथ हाइड एंड सीख खेल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और वो नई नई चीज़ों को सीखते भी हैं कि कैसे हाइड करना है, कैसे दौड़ना है, कैसे पकड़ना है। तो ये सारा सिखाने के लिए हम बच्चों के साथ हाइड एंड सीख खेल सकते हैं। सातवीं चीज़, अभी क्या है, बच्चों को बच्चों की कंपनी पसंद आती है, लेकिन आप कभी देखेंगे बच्चे साथ में नहीं खेलते, वो पैरेलल खेलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ज़रूर नोटिस कीजिए कि बच्चों को एक बच्चे की जगह दूसरे के साथ रख सकते हैं तो दोनों अपने में खेलते रहते हैं, वो साथ में नहीं खेलते जैसे हम लोग, मतलब बड़े बच्चे खेलते हैं। तो
तो वैसे वो नहीं खेलते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल नॉर्मल है, आप बच्चे को टॉयज दीजिए, अगर साथ में कुछ और बच्चे भी हैं तो उनको खेलने दीजिए, तो आप देखेंगे वो एक दूसरे को देख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, बट दे आर नॉट प्लेइंग टुगेदर। लेकिन वो इससे सोशल स्किल्स सीखते हैं, एक दूसरे के साथ खेलना सीखते हैं। आठवीं चीज़, अभी क्या है, बच्चों को कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो आप उनके लिए जो एडिबल पेंट्स आते हैं वो ला सकते हैं, आप उनके साथ स्केचिंग कर सकते हैं, उन्हें पेंटिंग सिखा सकते हैं। इससे भी क्या होगा, काफ़ी टाइम वो बिजी रहेंगे और वो बोर नहीं होंगे। अभी बच्चों को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो काफ़ी चीज़ें समझने लगे हैं, एक्सप्लोर करने लगे हैं, तो हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी वो करना चाहेंगे। इसके लिए कलरिंग एक बेस्ट एक्टिविटी हो सकता है। नौवीं चीज़, अभी क्या है, बच्चे आपके बोलने लगते हैं, आपको कॉपी करने लगते हैं, तो अभी आप छोटी छोटी चीज़ें जो हेल्थ एंड हाइजीन से जुड़ी है वो आप सिखा सकती हैं। जैसे बच्चों को अभी ब्रशिंग आप सिखाती हैं, तो मॉर्निंग में जब भी आप ब्रश करें तो बच्चे को ब्रश जरूर दें और साथ में करें ब्रश योर टीथ, कुछ भी ऐसा राइम करके करें ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए और वो आपको कॉपी करें। ऐसे कॉपी करते करते क्या होगा, एक दिन बच्चे प्रॉपर जल्दी से ब्रश करने लगेंगे। दसवीं चीज़, अभी जैसे मैंने बताया कि बच्चे एनिमल्स पहचानने लगते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी हो सकती है बच्चों को, अगर आप आउटडोर विजिट पे कहीं जू ले जाते हो, जू में क्या होगा, बच्चे एनिमल्स को रियल में देखेंगे और वो काफ़ी इंजॉय करेंगे और वो चीज़ों को पहचानेंगे, वो आप उनको बोल बोल के बता भी सकते हो। तो अभी की जो चीज़ें हैं वो बच्चों को बहुत दिन तक याद रहेगी, तो ये एक अच्छी एक्टिविटी होती है। बच्चों को अगर आप जू ले जाते हैं, वहाँ पे एनिमल्स को दिखाते हैं, तो काफ़ी इंजॉय भी करते हैं और चीज़ों को सीखते भी हैं। 11वीं चीज़, अभी क्या है कि बच्चे प्लांट्स को भी आइडेंटिफाई करने लगते हैं, फ्लावर्स को पहचानने लगते हैं, हम उन्हें बार बार बुक्स के थ्रू बताते हैं, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बच्चों को। आप गार्डन ले जा सकती हैं, टेरेस गार्डन पे दिखा सकती हैं, और हर फ्लावर जो भी आपको फ्लावर नियर बाय में मिलता है उसका नाम लेके बताइए, ये सन फ्लावर, व्हाट इज दिस सन फ्लावर, इट्स रोज़। तो ये ऐसा करके जब आप बार बार बताती हैं तो बच्चों को याद रहने लगता है। तो ये एक्टिविटी आप कर सकती हैं, बच्चों को प्लांट्स जो हो गया या फिर आपका जो भी आपके आसपास जो भी अवेलेबल हो वो चीज़ें बच्चों को बार बार दिखाइए, कभी मौका मिले तो पार्क ले जाइए और उनको नाम बोल बोल के बताइए। ऐसा करने से क्या होगा, बच्चों को काफ़ी याद रहेगा। 12वीं एक्टिविटी, सेम चीज़ आप फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ भी कर सकती हैं। जब भी आप घर में फ्रूट्स लाएं, वेजिटेबल्स लाएं, तो बच्चों को टच करने दें, उन्हें एक्सप्लोर करने दें, उनका नाम ले लेके बताएं। जब भी बच्चों को आप फ्रूट्स खिलाएं या फिर कोई वेजिटेबल खिलाएं तो नाम ले लेके बताएं। इससे क्या होगा, बच्चों को मज़ा आएगा, वो सीखेंगे, बहुत जल्दी सीखेंगे और बोलेंगे। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है, जब बच्चों को हम टच करने दें, फील करने दें, रियल का फ्रूट और वेजिटेबल दिखने दें, तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं। 13वीं एक्टिविटी, ये हो सकता है डव एक्टिविटी। जी हाँ, अभी जैसे आप आटा गूंथती हैं तो ये बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन जब आप बच्चों को आटा गूंथने के लिए देती है तो उन्हें बहुत मज़ा आता है, उससे वो काफ़ी कुछ चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं डो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाहर मार्केट में जो भी आपके उस तरह की चीज़ें मिलती हैं उसमें काफ़ी केमिकल होता है, तो जो आटा है हमारे घर में वो काफ़ी सेफ होता है। तो आप बच्चों को थोड़ा सा आटा दे दो, उनको गूंथने दो, उससे खेलने दो, इससे बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। जैसे मेरी बेटी, मैं जब भी रोटी बनाती तो रोने लगती थी कि मुझे ये बनाना है, तो मैं उसको थोड़ा सा आटा देती थी, वो थोड़ा खेलती थी, थोड़ा गिराती थी और काफ़ी देर तक इंगेज रहती थी। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है, बच्चों को आप आटे से खेलने दो, उनको आप कैसे गूंथते हैं, फिर आप उनको अलग अलग शेप्स एंड साइजेस की चीज़ों को बना के दो, आप छोटा सा डक बना के दिखा सकते हो, कुछ भी आप उनको फ्रेम में सेट करके बता सकते हो। 14, अभी क्या है, 1 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है कलर्स को लेके, पानी को लेके, पानी के साथ बहुत इंजॉय कर सकते हैं। तो आप बच्चों के लिए पूल की कुछ एक्टिविटी कर सकते हो, घर में भी आप छोटा सा पूल बना सकते हो, उसमें काफ़ी देर उनको खेलने दो, आप साथ में बैठ के खेलो, डक्स होती है, फिश होती है, उसमें डाल दो, बताओ उनको कैसे डक तैरती है, फिश तैरती है। बिकॉज ये मैं कर चुकी हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ कि उसका मैंने एक छोटा सा पूल बनाया था और मैं उसमें उसके डक को डाल देती थी, उसकी जो फिश होती थी आर्टिफिशियल फिश जो मिलता है मार्केट में वो मैं डाल देती थी, तो काफ़ी देर तक इंजॉय करती थी, खेलती थी। 15वीं चीज़, गुड एंड बैड की जो चीज़ें हैं वो आप 2 साल के बच्चों को होते होते बता सकते हो, ताकि वो पहचानना सीखे किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है, क्या टच करना है, क्या नहीं करना है। तो ये बच्चे अब समझने लगते हैं, सीखते लगते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक स्विचेज है तो आपको बताना है कि नो 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 डोंट टच, तो ये चीज़ें आप जब बार बार बोलेंगे तो बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा, फिर वो टच नहीं करेंगे। क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, तो ये सारी चीज़ें अभी आप बताना शुरू कर सकती हैं, बच्चे समझने लगते हैं। ये सारी 15 एक्टिविटी हैं, हो सकता है बच्चों के साथ आप घर में ये करती भी होंगी, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी ये चीज़ें अपने बच्चों के साथ करें, इन्जॉय करें, ताकि वो कुछ नया सीखे, कुछ नई चीज़ों को देखे। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है, लेकिन ये मोटा मोटी 15 एक्टिविटी है जो मैं आशी के साथ करती थी और मुझे लगा कि ये ज़रूर शेयर करना चाहिए आपके साथ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस पर कमेंट करके ज़रूर लिखिए, मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा, और देखते रहें मॉम्स प्लांट इंडिया। थैंक यू।